वी ऑल हैव हर्ड फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। अब चाहे वो हो फर्स्ट स्नोफॉल, फर्स्ट रोड ट्रिप, फर्स्ट टाइम वॉचिंग अ सेट ऑफ नॉस्टैल्जिक मूवी, मेरे लिए यहाँ था माई फर्स्ट लद्दाख ट्रिप। After exploring the mesmerizing Nubra Valley, it was time to finally see the most beautiful lake of Ladakh, that is in Pangong. पर जाते जाते Nubra के सबसे बड़े monastery को तो देखना ही था, जो है Diskit Monastery, also known as Diskit Gompa. Hi guys, this is Manasvi and welcome back to my YouTube channel. This is day 5 of Ladakh series. तो कल हमने देखा पूरा Nubra Valley और आज हम Nubra से जा रहे हैं Pangong Lake, जहाँ पे 3 idiots की शूटिंग हुई थी, हमें देखने मिलेगा। But before that, right now I am at this Maitri Buddha statue, जो कि 108 feet tall statue है। The monastery has statue of crowned Buddha in the prayer hall. और ये monastery लगभग 350 साल पुरानी है। ये मॉनेस्ट्री 3 आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती है। वन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ Diskit विलेज, जहाँ पर ये मॉनेस्ट्री है। सेकेंड इज़ प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड प्रिवेंशन ऑफ फर्दर वर्ल्ड वॉर। ये जो प्रॉपरली अरेंज्ड स्टोन आप देख रहे हो, इसका मतलब है विशेस। लोग अपने विशेस या मन्नतें मांगते हैं इसे ऐसे रख के। कहा जाता है कि इससे विशेस पूरी होती है। फाइनली Nubra को अलविदा करके हम निकल जाते हैं Pangong की ओर। Nubra टू Pangong का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 274 किलोमीटर्स, मतलब एक लंबी रोड ट्रिप जिसमें आपको कई अमेजिंग नज़ारे देखने मिलेंगे। अभी यहाँ पर स्नो नहीं दिख रही है, पर वहीं अगर आप नवंबर दिसंबर में अगर जा रहे हो तो आपको मिलेंगे पूरे स्नोई माउंटेन्स एंड स्नोई रोड्स। ये रास्ता आपको बहुत फेमिलियर लगेगा क्योंकि कई मूवीज़ में ये दिखाया गया है। मैंने 3 इडियट्स तो आपको बताया ही, बट अनदर फेमस एग्जांपल इज़ जब तक है जान मूवी। तो जब तक है जान का एक शूटिंग पॉइंट भी यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर शाहरुख खान ने जो बाइक चलाई थी उनकी बाइक भी वहाँ रखी गई है और वही शूटिंग पॉइंट बनाया गया है। तो बिल्कुल बाकी टूरिस्ट जैसे हमने भी वहाँ एक स्टॉप लिया, कुछ फ़ोटोज़ लिए एंड देन वी कंटिन्यूड आवर रूट टूवर्ड्स Pangong। और ऐसे ही 7 घंटे की ये रोड ट्रिप ख़त्म होती है जब हमें दिखता है Pangong Lake का ये नज़ारा। स्टार्टिंग में ही आपको बहुत से रिसॉर्ट्स एंड कैंप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। हमने कैंप ही बुक किया था फॉर 1 नाइट। लोकेटेड एट हाइट ऑफ 14,270 फीट अबव सी लेवल On Indochina border, Pangong Lake is world's highest saltwater lake. इतने बड़े खूबसूरत स्नोई माउंटेन से घिरा हुआ ये Pangong Lake उसके कलर चेंजिंग वाटर के लिए फेमस है। यहाँ कई सी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी आपको, जैसे हॉर्स राइडिंग, याक भी मिल जाएगी, आर्चरी ट्राई कर सकते हो आप, एंड देन ऑफकोर्स 3 इडियट मूवी के वजह से यहाँ पर येलो स्कूटर है, सीट भी रखी हुई है फेमस वाली। इन सीट्स पर बैठ के फ़ोटो निकालने के लिए 150 रुपीज़ या 50 रुपीज़ ऐसा कुछ है, एंड स्कूटर के लिए भी सबके लिए अलग अलग प्राइजेस है। Now let's have a quick room tour. I mean the camp tour. हमने ये कैंप बुक किया था, हमारे पास टोटल 4 थे। This is mine. तो यहाँ से हम अंदर जाते हैं, यहाँ पे चेन खोल के ही अंदर जा सकते हैं, there is no door. This was enough for one night. छोटा सा ही था, not big enough, but yeah. This is the washroom, जहाँ पे छोटी छोटी गैप थी नीचे से और हवा आ रही थी बहुत ज़्यादा अंदर। एंड देन ये बाहर थोड़ा बालकनी जैसा कुछ दिया हुआ है, जहाँ पे 2 चेयर
ओके आई हैड टू शूट दिस वन. कैंप हमारा इतना ज़्यादा हिल रहा था, ऐसा लग रहा था हम टूट ही जाएगा, और ये सिर्फ रात के 9 बजे थे. दिस इज डे 6 एंड एट पैंगोंग लेक, जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी. बहुत ही तेज हवा चल रही है यहाँ पे. यू हैव टू वेयर वॉर्म क्लोथ्स हियर एंड एनीथिंग टू कवर योर ईयर्स नोज. द व्यू हियर इज अमेजिंग. 1/3 ऑफ दिस लेक लाइज इन इंडिया एंड अदर 2/3 ऑफ दिस लेक इज इन टिबेट, विच इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना नाउ. इस लेक की खूबसूरती तब दिखती है ज्यादा जब सूरज आता है एंड इसका कलर चेंज होते रहता है, मतलब ब्लू से टर्कोइज ब्लू, देन वॉयलेट, पिंक, ब्लैक. तो अभी हम जाएंगे पैंगोंग टू ले एंड ले में आज स्टे रहेगा. देन ले से हमारी फ्लाइट है कल टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू नागपुर, मतलब बाकी लोग नागपुर जाएंगे एंड आई विल गो टू पुणे. लीज जर्नी हैज बीन सो अमेजिंग. मैं कश्मीर में हुआ आई हूँ बट आई वुड से ले हैज सो मच टू ऑफर एंड बहुत सी प्लेसेस हैं जो हम देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं. हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे. यू कैन सी द लेक, यू हैव सीन द सैंड ड्यून्स एंड देन डबल हम्प, कैमल राइड्स, ऑल दिस एडवेंचर स्पोर्ट्स, बंजी जंपिंग, एटीवी राइड्स, गो कार्टिंग. कल हम सबकी हालत बहुत बेकार हो गई थी, रात को ऐसा लग रहा था टेंट तो टूटने वाला है, इतनी हवा आ रही थी, पूरा टेंट हिल रहा था. इट माइट बी -3 डिग्रीज, 3 डिग्रीज तो पक्का पता था, पर रात को उसमें माइनस भी गया होगा तो आई डोंट नो. हमारा पैंगोंग टू ले का रूट था वाया चांगला पास. आते वक्त हमने देखा खरदुंगा पास एंड दिस वाज टाइम टू एक्सप्लोर चांगला पास. टेम्परेचर वाज कूल इनफ टू सी द स्नोफॉल एंड वी ऑल वर होपिंग टू सी इट. पैंगोंग से ले जाने के लिए इट टेक्स ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स एंड 5 to 6 hours ऑफ जर्नी. और यहाँ रुकते ही अपेरेंटली हमें स्नोफॉल मिल गया, तो मतलब ये हल्का सा स्नोफॉल हो रहा था. आई एम एट चांगला पास राइट नाउ एंड दिस इज 17,688 फीट अबव. आई एम एक्सपीरियंसिंग माई लाइफ फर्स्ट स्नोफॉल हियर एट चांगला पास. This experience is so surreal. Beauty all around me. As you can see, we all were so happy. तो हमने थोड़ी ठंड कम करने के लिए यहाँ की मैगी भी खाई. आई वुड से यू वाज ट्राई दिस पहाड़ों वाली मैगी. पहाड़ी मैगी विद स्नोफॉल. तो हमें लिए पहुँचते पहुँचते एक और मॉनेस्ट्री मिलती है, दैट इज टिक्सई मॉनेस्ट्री, जो हम बाहर से ही ऐसे एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आता है लेह सिटी का. ये है एक 12-story कॉम्प्लेक्स और मेन अट्रैक्शन है यहाँ का मैत्री टेम्पल. हम अभी आ चुके हैं रैंचो स्कूल, द फेमस रैंचो स्कूल जो कि है शे में, दैट इज इन लद्दाख. एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं एकदम फेमस वाली वॉल, द इडियोटिक वॉल लिखा हुआ है उस पर. यहाँ के लोकल्स अभी भी इस स्कूल को ध्रुव पद्मा कार्पो स्कूल कहते हैं, जो कि इस स्कूल का ओरिजिनल नेम है. यहाँ आने पर आपको दिखेंगे पेंटेड वॉल्स विद मूवी रेफरेंसेस, जैसे ऑल इज वेल लिखा हुआ है, दैट इज द बोर्ड आमिर खान ने जिस पे वर्ड लिखा था बड़ा सा, एंड या मैनी रेफरेंसेस फ्रॉम द मूवी 3 इडियट्स. एंड ये फेमस इडियोटिक वॉल भी है जहाँ से ऊपर से एक बल्ब फेंका हुआ था. ऑल दीज थिंग्स आर सो नॉस्टैल्जिक. अगर आप यहाँ पर जाते हो और देखते हो ये सब इन रियल लाइफ, यू विल फील सो नॉस्टैल्जिक. इतनी पुरानी मूवी है एंड फील्स लाइक यस्टरडे. अपार्ट फ्रॉम दिस टूरिस्ट प्लेस, ये जब एक्चुअल में एक स्कूल थी, इसे बहुत से नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं. तो ये सब यहाँ पर एक शॉर्ट मूवी के उसमें दिखाया जाता है. देर आर फ्यू सुविनियर्स यू कैन टेक, टी शर्ट्स और मग्स, कुछ पोस्ट, ये सब कुछ यहाँ से लेके जा सकते हो. देयर इज दिस रैंचो कैफे
अब ये मूवी से कुछ कनेक्टेड नहीं है, बट दे हैव मेड दिस रैंचो कैफे जहाँ पर अगेन कुछ मूवीज़ के रेफरेंसेस और पेंटिंग्स राजू फरहा ये सब बना हुआ है. सो वी हैड आर लंच और यू कैन से स्नैक्स ओवर देयर एंड देन वी हेड बैक टू ले. यू नो वापस जाते जाते आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड ओवरवेलम दैट ये 7 दिन हमने इतनी प्यारी जगह पर इतने प्यारे व्यू के साथ गुजारे हैं. आई गॉट टू सी अ लॉट, आई गॉट टू लर्न अ लॉट यहाँ की लाइफ, लद्दाख की लाइफ और यहाँ के जो भी लोग थे दे वर सो काइंड टू अस. सो दिस वॉज द एंड ऑफ 5th एपिसोड एंड दिस एंटायर लद्दाख सीरीज. आई होप यू गाइज हैव एन्जॉयड दिस सीरीज. आई नो दिस टुक सो लॉन्ग टू कम्प्लीट बट या दिस इज द फाइनल वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज टिल द एंड. And again, like, share and subscribe to my channel. Until next time, bye-bye.